हाय नमस्कार। और एक सुबह से कन्फ्यूजन हो रही है, हम आपस कई मैसेज फ़ोन आ रहे हैं, तो मैंने कहा वीडियो बना देता हूँ। थोड़ा आपको पता है बिज़ी ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि थर्ड राउंड में भी काफ़ी स्टूडेंट्स थे हमारे जिनको अब ज्वाइनिंग में हेल्प करनी होती है, स्पेशली केरल के राउंड 3 में स्टूडेंट्स हैं हमारे। राजस्थान के रिजल्ट को लेके पहले पब्लिश हुआ, गायब हो गया पूरा हिंदुस्तान, काफ़ी बच्चे उसको बारे में देख रहे हैं, सोच रहे हैं, पैनिक भी कर रहे हैं। देखिए कुछ तो हमने सुबह देखा था कि एरर थे, तो जब ये प्रोसेस कर रहे थे तो एरर हो गए, किसी कॉलेज में 2-3 सीटें फालतू एलोकेट कर दी गई हैं, कहीं कम कर दी गई हैं, तो वो एरर्स हुए हैं, जिन एरर को मॉडिफाई समय किया जा रहा है, इसलिए समय लग रहा है। देखिए राजस्थान ने जो सॉफ्टवेयर बनाया वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि वो इंडिया के कुछ स्टेट्स में से है जो कि राउंड 1-2 में क्लोज था। अब राउंड 3 में ओपन हुआ, ओपन तो आप कहोगे सर मध्य प्रदेश में भी ऐसा हुआ था, बट मध्य प्रदेश में भी राउंड 3 भी जो हुआ था वो मोटा मोटी मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए था, और भाव वाले बच्चों के लिए खाली NRI सीट होती है। बट राजस्थान में राउंड 3 में जो सीटें हैं वो सबके लिए अब आ गई। और फिर जो मैंने आपको एक वीडियो 7-8 दिन पहले समझाया था किस तरह से सीट कन्वर्ट होगी, तो उसमें शायद कुछ एरर्स हो गए, पर कुछ एरर्स हुए हैं, ठीक है। बट लोगों के फ़ोन ऐसे आ रहे हैं, सर मैंने चॉइस फिलिंग करी थी और मेरे को लेट से मेरी पसंद का 6 कॉलेज मिला, मैंने ऊपर एग्जाम्पल JIT भरा था और मुझसे काफ़ी नीचे वाले बच्चे को JIT लोकेट हो गया, ये कैसे हो गया? तो जैसा मैंने कहा कुछ तो एरर है, बट उस एरर के अलावा एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको समझनी होगी, क्योंकि अब ये फाइनल लिस्ट निकली है। अब एक लिस्ट निकालने का स्टाइल होता है, तो लिस्ट इन्होंने ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से निकाली है, पर आप नोट करेंगे आपसे नीचे के जितने भी बच्चे हैं मोस्टली अदर देन फ्यू एरर्स वो सब राजस्थान डोमिसाइल के हैं, और उस शायद वो भी ना एरर को प्रोड्यूस कर रहा है। तो कंप्यूटर ने तो राउंड 3 में भी एलोकेट ऐसे करा ना कि पहले राजस्थान डोमिसाइल को प्रेफरेंस दी है, तो राजस्थान डोमिसाइल का कोई बच्चा है जनरल कैटेगरी का, उसकी रैंक आपसे काफ़ी नीचे है, बस सीट उसको तो पहले मिलेगी ना। अब राजस्थान का भी जो भी है चॉइसेस सबको मालूम है कि MGM बेस्ट है, सबको मालूम है फिर गीतांजलि अमेरिकन अनंता 3rd, 4th, 5th हैं इन वेरियस ऑर्डर्स, और उसके बाद कॉस्ट का भी मैटर हो जाता है, JIT में इन 3 कॉलेज में, व्यास में 1 करोड़ में सारा काम हो रहा है, स्टेट सीट फीस में, बाकी जगह 1.25 लगता है, तो राजस्थानी बच्चा भी उसी को पहले प्रेफर करेगा ना। तो इसलिए कई बार अगर आप ये देख रहे हो कि आपकी रैंक के नीचे कैसे मिल गया किसी को बोला कॉलेज जो आपको नहीं मिला, तो उसका एक जो बड़ा कारण है वो ये भी है, वो नीचे वाला राजस्थान डोमिसाइल का होगा, है काफ़ी हद तक। उसकी पहचान के पता कैसे हो जाएगी, देखिए जब भी आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो पहले लिखा हुआ है RM, फिर एक नंबर है, तो जो जिनका भी हमने राउंड 3 में रजिस्ट्रेशन किया है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया है, वो अक्सर जो उनका RM है ना वो 10,000 से भी बहुत दूर है। या मैं आपको एग्जैक्टली बताऊँ तो मैंने भी काफ़ी बच्चों का करा है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जो हमने राउंड 3 में रजिस्ट्रेशन करे दैट मीन्स ये उतने बच्चे थे जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके थे। तो RM के बाद जो नंबर है ना वो बेसिकली सीरियल ऑर्डर है, तो आप देखोगे कि RM के बाद जब मैंने राजस्थान डोमिसाइल का किया था फर्स्ट राउंड में 4,000 की लाइन RM 4,000, एक मैंने और किया था एक सरकारी सीट का, वो भी मुझे RM बहुत कम दिखेगा, ठीक है ना। हाँ देखिए RM 3140, लेकिन जितने भी मैंने राउंड 3 में करे हैं वो सब 14,000, 15,000, 16,000, 15,000 की रेंज में है, एक और 15,000, 3,400 भी वही था जो राजस्थान डोमिसाइल था, 15,000, 3,000 राजस्थान, 15,000 बाहर का, ठीक है। दैट मीन्स अगर आप अपने नीचे देखोगे तो आप ऐसे जजमेंट कर सकते हो कि अगर RM के आगे 3,000, 5,000, 6,000, मेरे ख्याल से 8,000, 9,000 तक भी है तो वो मोस्टली राजस्थानी बच्चे हैं, ठीक है। क्योंकि आउटसाइड राजस्थान, क्योंकि मैंने पहले दिन लोगों का रजिस्ट्रेशन कर दिया था जब राउंड 3 में स्टार्ट हुआ था ना, तो भी हमें 14,000, 15,000 की ही रेंज मिली है, तो ये आपको तसल्ली दे देगा कि आपसे नीचे का बच्चा अगर आपको उससे आपकी बेटर सीट मिली हुई है, आप उसका रजिस्ट्रेशन नंबर देख लीजिए, वो RM के आगे जो लिखा हुआ है उससे आपको आइडिया लग जाता है, बिकॉज वो आइडिया ही यही है ऑर्डर ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। स्टार्टिंग में लिखा रजिस्ट्रेशन ID, तो रजिस्ट्रेशन ID से आपको एक काफ़ी हद तक आइडिया लग जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा ना कि वो सीरियल ऑर्डर के हिसाब से इन्होंने दिया है, जिसने
जितनी पहले रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया था आई थिंक 3 digit में कोई नहीं दिया था, दे मस्ट हैव स्टार्टेड फ्रॉम 4 digit। जब मैं पूरी लिस्ट देख रहा हूँ आई एम नॉट एबल टू से एनी बडी जो आर एम के बाद 3 digit है, बस 4 digit बहुत हैं। तो जितने भी 4 digit अभी समय मैं आपको देख के बता रहा हूँ जो सुबह सुबह आई थी प्रोविजनल लिस्ट, और बस वही मैं आपको तसल्ली देना चाह रहा हूँ कि जब आप आर एम का नंबर देखोगे तो आर एम 2544 है कोई बच्चा लेट से, तो उसको तो अभी भी क्या सरकारी मिला उसको देखने का फ़ायदा नहीं, बट आप नीचे की तरफ देखोगे और आप ये सोच रहे हो कि कैसे किसी बच्चे को अमेरिकन की जनरल सीट मिल गई एट ऑल इंडिया रैंक ऑफ 9 लाख, तो उसका आर एम देख लीजिए जो लेफ्ट से दूसरा कॉलम है, तो आपको पता चल जाएगा वो राजस्थान डोमिसाइल है और राजस्थान डोमिसाइल का पहला हक है ना। अब ये देखो बाकी बात करते करते अशोक वो बच्चा बुरा नहीं मानेगा, आर एम 1001 जनरल कैटेगरी है, गीतांजलि की जनरल सीट मिली है, नीट ऑल इंडिया रैंक 9 लाख है, बहुत नीचे है और राजस्थान डोमिसाइल है। कैसे पता चल रहा है आपको, आप उसका आर एम देखोगे तो 1001 लिखा हुआ है, आई थिंक मस्ट बी द फर्स्ट पर्सन टू रजिस्टर फॉर राजस्थान डोमिसाइल। ओके, तो ये वजह है कि क्यों आपके नीचे वालों को भी वो वाला कॉलेज मिला हुआ है जो आपने ऊपर भरा था, अदर देन द फ्यू एरर्स जो हो गए हैं, लेकिन सारी लिस्ट गलत नहीं है। और जब अगली बार भी जब रिजल्ट है और आपको नीचे दिखे तो समझ जाना वो राजस्थान डोमिसाइल है, थर्ड राउंड में भी राजस्थान डोमिसाइल को हमसे पहले प्रेफरेंस मिली है। ओके, उत्तराखंड के रिजल्ट की वेट हो रही है, बिहार का आज एडिट एप्लीकेशन था, बिहार का चॉइस फिलिंग राउंड 3 का आ जाएगा, उसके बाद तेलंगाना आंध्रा राउंड 3 बचे, आई थिंक पूरी इंडिया का राउंड 3 का रिजल्ट कल तक आ जाएगा अगर उत्तराखंड और बंगाल की वेट कर रहे हैं हम। ये 3 स्टेट बचेंगे बिहार आंध्रा तेलंगाना, जो आई एम श्योर अब जल्दी से अपने 4-5 दिन में राउंड 3 कर देंगे। और फिर MCC का राउंड 4 शुरू होना है 3 दिन के बाद, दो मेरे ख्याल से आराम से, कल लास्ट डेट थी ज्वाइनिंग की तो एक आध दिन भी लेट करके आई थिंक 23 या 24 से स्टार्ट हो जाएगा, तो आखिरी एग्जैक्टली 2 वीक्स बचे हैं। आई एम श्योर 3 नवंबर तक पहले नॉर्मल काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगी और जो मेरी गट फील कहती है 5वां राउंड स्पेशल स्टे पक्का होगा, जो और शायद 1 हफ्ता चलेगा 2 हफ्ते, और कोई बड़ी बात नहीं काउंसलिंग मिड नवंबर तक चले, पर आप उसके भरोसे में बैठे। मैं हमेशा कहता हूँ देखिए स्ट्रे मॉपअप और स्पेशल स्ट्रे के लिए वही वेट करो जो ड्रॉप करने को तैयार है, राइट? नहीं तो आई होप कि अभी तक आप राउंड 3 में अपनी सीट ले चुके, हमारे सारे क्लाइंट्स की सीट हो गई हैं। जैसा मैंने कहा 4 बच्चे हैं तो चारों ऐसे ही हैं कि जिनको ये था कि सर पहला ही चांस था यही कॉलेज मिले तो ठीक है, जैसे एक 400 की रेंज में है जिसने बोला सर सिर्फ जॉली ग्रांट चाहिए नॉर्थ में, पहला ही साल था नहीं तो अपन ड्रॉप करेंगे, तो वो लोग लास्ट तक वेट करेंगे। ओके, इसके अलावा हमारे सारे क्लाइंट्स हिंदी वगैरह निपट गए हैं इसलिए मेरे पास समय भी है, तो किसी को हमारी मदद चाहिए आखिरी के 2 राउंड्स की स्ट्रेटजी प्लानिंग करने के लिए, बेस्ट सीट लेने के लिए, फील फ्री टू कॉल अस 9643362320। NRHE जब ख़त्म हो चुकी हैं, आप अपने हर जगह फॉर्म भर ही चुके होंगे, तो हम एक फ्लैट 50,000 रुपये फीस ले रहे हैं बट बात करने के लिए भी 5,000 रुपये लिए जाएंगे, एंड देन वी शैल गाइड यू टू रीच योर ड्रीम डेस्टिनेशन। और अगर वाकई को राजस्थान में नेगोशिएशन की किसी भी पूरे हिंदुस्तान में नेगोशिएशन की नौबत आएगी तो देन हमारा पैकेज 1.5 लाख होता है, आपको मालूम ही है, लेकिन 2 ही पैकेज हैं अगले 3 हफ्ते के लिए। ओके, और बात करने के लिए 5,000 की फीस अभी भी रहेगी। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।